देखिए, राज्यपाल जी को हम मिले हैं डेलीगेशन के रूप में और हमने अपनी बात वहाँ पर कही है, जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त कोई अलग से कोई बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहाँ पर डिवीज़न भी हम जो मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। दो बार हाउस उनने एडजॉर्न कर दिया, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है उसके बारे में हमने जानकारी दी, और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में, कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है उनको नोटिस जारी कर दिया है, और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीज़ें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। देखो, इन सारी चीज़ों को लेकर के वहीं हाउस में ही हम कह सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद, ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है।